भारतीय सेना द्वारा भद्रवाह में वीर नारी और वीर माताओं को वॉर विडो एसोसिएशन और राष्ट्रीय राइफल द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर भारतीय सेना के डॉक्टर्स ने वीर नारी और उनके परिवारों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया। जम्मू कश्मीर में अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण। जम्मू कश्मीर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा की पंजीकरण प्रक्रिया को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। हालात में सुधार होते ही पंजीकरण प्रक्रिया को फिर से बहाल किया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने कई तरह के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सुरक्षा प्रतिष्ठानों में आवाजाही को कम कर दिया गया है। बीएसएफ ने अपने 10 क्वारंटीन सेंटर फिर से सक्रिय कर दिए हैं, जो पिछले साल बनाए गए थे। सीआरपीएफ ने भी अपने ग्रुप सेंटर में भी क्वारंटीन सेंटर फिर शुरू कर दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने रोटेशन के आधार पर दुकानें खोलने के आदेश को जारी किया है, लेकिन बाजारों में कुछ दुकानदार नए दिशा निर्देश से अनजान हैं। अब पुलिस ने नए निर्देशों का पालन कराने के लिए नई रणनीति तैयार की है। इसके लिए पुलिस बाजारों में दिशा निर्देश संबंधी पैम्पलेट बांट रही है। बढ़ते कोरोना केसेस के चलते पुलिस कर्मियों ने भी करवाए बढ़ चढ़कर कोरोना टेस्ट। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से तापमान में भारी गिरावट, लोगों को मिली गर्मी से राहत। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री सत शर्मा द्वारा जनता दरबार लगाया गया, जिसमें अलग अलग वार्ड से आए हुए लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया। बता दें कि उनकी परेशानियों को सुन सत शर्मा ने जल्द से जल्द समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन की सप्लाई पर आज से लगाई रोक। इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को इंडस्ट्रीज की ऑक्सीजन सप्लाई फौरन रोकने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया। 24 अप्रैल से कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे 18 वर्ष से अधिक के लोग। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, आप कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी अपडेट आई है। कोविन चीफ आरएस शर्मा ने कहा कि कोविन प्लेटफॉर्म पर 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन अगले 24 घंटे में शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कोविड अस्पताल में एक साथ 9 मौतें, 5 दिनों में 25 लोगों ने तोड़ा दम।